हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको टीवाई बीकॉम में जो कैश फ्लो चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। सो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में जो न्यू पॉइंट है वो है प्लांट की। तो आइए हम प्लांट को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपको दिया हुआ है प्लांट लेस डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 1,60,000। सो ओपनिंग बैलेंस 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,95,000। सो ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। अब आगे एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। सो एडजस्टमेंट के लिए आपको एक एडजस्टमेंट है इसका 5 नंबर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 31 मार्च 55,000, 31 मार्च 12 एंड 31 मार्च 11 40,000। नाउ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन टिल टुडे, जो भी डेट दी हुई हो। अब जब भी सम में एसेट्स दिए हुए हों और आपको ऊपर डेप्रिसिएशन की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, डेप्रिसिएशन की कोई वैल्यू क्यों नहीं दी हुई है, क्योंकि प्लांट इन्होंने लेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। हमें एसेट्स को दिखाने के दो मेथड हैं। एक, हम एसेट साइड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। आप 11th में सीख कर आए हो ये एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा, असेट्स बुक वैल्यू पे लिख देंगे, सामने डेप्रिसिएशन फंड दिखाएंगे। तो यहाँ पर असेट्स को डेप्रिसिएशन असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिखाया हुआ है। अब ये आपको बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन 12 तक हो गया था 55,000 और 11 तक हो गया था 40,000। मीन्स इनके पास ये जो प्लांट पड़ा है, इन्होंने 2011 तक डेप्रिसिएशन 40,000 कैलकुलेट किया था और 2012 तक इनका डेप्रिसिएशन 55,000 हो गया। मीन्स ये है क्लोजिंग डेप्रिसिएशन और ये है ओपनिंग डेप्रिसिएशन। अब जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसका फॉर्मूला है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 55,000, ओपनिंग डेप्रिसिएशन है 40,000। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट। अब इन्होंने कोई एसेट सेल की है, ये रहा। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 2,500 हैज़ बीन सोल्ड फॉर 4,000। अब ध्यान से समझो, प्लांट का जो कॉस्टिंग था, प्लांट का कॉस्ट जो था वो था 5,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट मींस डेप्रिसिएशन टिल टुडे 2,500। तो ये हो गया बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू हो गई। अब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितने कितना हुआ। तो ये सेल हुआ है 4,000 में और इसका बुक वैल्यू है 2,500, दैट मींस प्रॉफिट हो गया 1,500। तो अब देखिए इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे। यहाँ पर है क्लोजिंग 55,000 प्लस डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स 2,500 माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन 40,000। तो ये जो आंसर आया 17,500, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए हम एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2,500
और दूसरा जो हमने सेल किया है वो सेल करने के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये सेल कितने में किया है, तो ये सेल किया है 4000 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2500 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रॉफिट 1500। अब इन दोनों जर्नल एंट्रीज की मैं यहाँ पर पोस्टिंग करने जा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2500 टोटल डेप्रिसिएशन 17000 है। 17000 का जो टोटल डेप्रिसिएशन है उस टोटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 17500। और ये जो प्रॉपर्टी, ये जो एसेट्स सेल किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू प्लांट अकाउंट 2500, तो ये जो 2500 है ये इसका सोल्ड वैल्यू है, ये है सोल्ड वैल्यू, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन मैंने एंट्री की डेप्रिसिएशन, ये जो प्लांट सोल्ड किया है उसका डेप्रिसिएशन है, जो प्लांट ऑलरेडी इन्होंने सेल कर दिया है। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, प्लांट सोल्ड हो गया उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ 2500, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2500, सोल्ड प्लांट का डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन 17500 है, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 15000। यहाँ पर हम 15000 एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 15000। तो पॉइंट को फिर से समझो, ये जो 17500 डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ये इन दोनों का टोटल लिखा हुआ है, जो इनके पास प्लांट अभी पड़ा है करंट है उस पर डेप्रिसिएशन, प्लस जो सोल्ड कर दिया उसका डेप्रिसिएशन 15000 प्लस 2500 17500 डेप्रिसिएशन हो गया। और ये जो प्लांट सेल किया है इसका इन्हें 2500 बाय बैंक मिला होगा। अब एक मेथड ये है प्लांट बनाने का। दूसरा मेथड अगर मैं आपको यहाँ और लिख दूँ तो सेम मेथड है ये अकाउंट बनाने का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्लोज करेंगे 315000 हुआ, जो डिफरेंस आएगा वो होगा 155000। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 155000 का एक और न्यू प्लांट परचेज किया है और 155000 ये इन्वेस्ट किए हैं इन्होंने प्लांट में, तो इसका दूसरा इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में -155000 लिखेंगे, -155000 दैट मीन्स ये कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ये कैश आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हम प्लांट परचेज कर रहे हैं तो प्लांट परचेज कर कर हम पेमेंट करते हैं, ये कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ टीचर्स आपको ऐसे करवाएं या कॉलेज में आपको ऐसा करवाएं। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, 160000 ओपनिंग सेम लिखा हुआ है, 295000 क्लोजिंग सेम लिखा हुआ है, ठीक है, 17500 डेप्रिसिएशन भी सेम लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर मैंने सोल्ड वैल्यू 2500 दिखाई है क्योंकि बाकी का 1500 मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने सोल्ड वैल्यू 4000 दिखाई है। अगर सोल्ड वैल्यू 4000 दिखाई है तो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए ये जो प्रॉफिट है ये प्लांट अकाउंट में डेबिट कर कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है। यहाँ पर 2500 जा रहे हैं प्लांट अकाउंट में और 1500 अलग से जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ओवरऑल मिला कितना 4000।
यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 4000 डायरेक्ट बैंक अकाउंट से प्लांट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और 1500 ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये जो मैंने जर्नल एंट्री सेकंड की है, अगर यहाँ पर करेंगे तो कैसा होगा, तो यहाँ करने के लिए इस एंट्री के दो इफ़ेक्ट हो जाएंगे। ये सेकंड नंबर कर दिखा रहा हूँ मैं। एक तो हम यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 4000 और सेकंड एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लांट में हमने डेबिट किया 1500, प्लांट में हमने क्रेडिट किया 4000, सो ओवरऑल प्लांट में क्रेडिट कितना हुआ, सो ओवरऑल क्रेडिट हुआ 2500 और 1500 क्रेडिट हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों एंट्रीज़ को कंबाइन करेंगे तो ये सेकंड एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड एंट्री से एक्सप्लेन किया हुआ है, डायरेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर दोनों अलग अलग एंट्रीज़ करके एक्सप्लेन किया हुआ है। ये दोनों एंट्रीज़ करेंगे तो पोस्टिंग ये होगी और इन दोनों एंट्रीज़ इस एंट्री को करेंगे तो पोस्टिंग ये होगी। ये एंट्री मैंने सिर्फ सेकंड नंबर एंट्री के सामने करवाई है, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़ होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम होंगे, दोनों का टोटल 2500 एंड 15000 17500 दोनों में क्रेडिट किया ही हुआ है। तो ये एंट्री सिर्फ सेकंड के सामने हैं और अगर ये दोनों एंट्रीज करेंगे तो ये पोस्टिंग हो जाएगा, ये करेंगे तो पोस्टिंग ऐसी हो जाएगी। फाइनली क्लोजिंग डिफरेंस तो वही निकलने वाला है 1,55,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 में न्यू पॉइंट। चलिए अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इस सम में यही न्यू पॉइंट था। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, मोस्ट ऑफ सम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।